जुबेल जी मुझे बताइए, खान होने के कारण जेल में डाला गया ये कहना है महबूबा मुफ्ती का, लेकिन शौकत भाई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद जानते हैं एनडीपीएस कानून को, उनको भी पता है कि अगर कंज्यूम करेंगे तो भी जेल में जाएंगे, लेकिन विक्टिम कार्ड क्यों आ गया यहां पर महबूबा मुफ्ती का? नहीं दीपक जी, एक बहुत सी पुरानी आदत है कुछ राजनीतिक दलों की, जो धर्म के नाम पर, इस माइनॉरिटी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना कोई नई बात नहीं है। ये एक आतंकवादियों को भी बचाने की इन लोगों ने काम किया था। पर लेकिन आज जो आर्यन का जो केस है, वो क्या वो केंद्र सरकार इसमें कहीं इन्वॉल्व है? कोर्ट, क्या आपको कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है? क्या जब कोर्ट उनको कस्टडी में देती है, पुलिस कस्टडी में, क्या पुलिस के, आप क्या अलग अलग कानून चाहते हैं? कोई मुस्लिम सिटीजन्स के लिए कोई अलग कानून चाहते हैं? वो कोई भी गुनाह करें, कि कोई भी उनके खिलाफ कोई आरोप हो, उनको बरी किया जाए, क्योंकि वो राजनीति के लिए हमारे लिए काम आते हैं, ये कहना चाहते हैं? ऐसे कार्य भी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किया था। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, एक आदेश गया था गृह मंत्रालय के द्वारा कि जो जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम हैं, उसको रिहा किया जाए। तो ये भारत है, यहाँ किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई इंसाफ नहीं किया जाता है। ठीक है, आप ही का सवाल ले जाता हूं। उनके साथ, आर्यन के साथ हमदर्दी हो सकती है, बट लेकिन इसको धर्म का नाम दे करके कोई टारगेट किया जा रहा है, ये आपको राजनीति, जो इसमें आपकी जो राजनीति झलक रही है, ये जनता पहचान रही है। महबूबा मुफ्ती कश्मीर के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर, इस प्रकार निंदा करके, वो केवल और केवल धर्म की राजनीति कर रही है और कश्मीर को भी खतरे में डाल रही है।